आज दिशा की बैठक थी और दिशा की बैठक रायबरेली जनपद में केंद्रीय योजनाओं के द्वारा जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उनके अनुसरण और निगरानी के लिए की जाती है। देश की बाल विकास एवं महिला मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और पहली बार महसूस हुआ कि कोई योग्य अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को देखा था, वो बैठती थी और पीछे कोई ना कोई आदमी उनको सजेस्ट करता था और जो कहता था उसी से मिली जुली कोई एक आध प्रक्रिया कर देती थी। अगर पूरे कार्यक्रम में कभी उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि ये काम हुआ है ये नहीं हुआ है। आज प्रॉपर अनुसरण हुआ, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कामों को उन्होंने 72 घंटे में क्रियान्वित करके सभी सदन के सदस्यों को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। 72 घंटे में क्रियान्वयन की पहली बार सुना कि कोई मंत्री कहता है कि 72 घंटे में इस विषय को क्रियान्वित करके और सभी सदन के सदस्यों को बता दिया जाए। निश्चित तौर से मुझे इस बात का दुख है कि आज रायबरेली के विकास की प्रगति देखने के लिए बैठक हुई थी जिसकी सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं, उनको बाकायदे आमंत्रण भी गया था। उनको रायबरेली के विकास में कोई रुचि नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। अगर बैठक में आती तो शायद सांसद का कद बढ़ता छोटा नहीं हो सकता था और अगर रायबरेली के विकास की बात जहां हो वहां सांसद अपनी तौहीन समझती हैं बैठना, तो मैं समझता हूं ये रायबरेली और सोनिया गांधी के लिए बड़ा दुखद है। सोनिया गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि रायबरेली की प्रगति की समीक्षा बैठक में स्वयं उपस्थित ना हो। रायबरेली की प्रगति बैठक में एक पार्टी के नेता आए थे जिन्होंने थोड़ी देर अपनी बात कह करके और चले गए क्योंकि वो स्वयं भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। वो प्रियंका गांधी के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में खूब अनाप का शनाप धन कमा रहे हैं, तो वो भी कांग्रेस की बी टीम है जो आए थे। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि रायबरेली के विकास में ना तो सोनिया गांधी को कोई रुचि है, कांग्रेस को कोई रुचि है, ना समाजवादी पार्टी को रुचि है। अगर रुचि है किसी को तो भारतीय जनता पार्टी को है। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोनों मिलकर के रायबरेली जनपद का विकास कर रहे हैं और नितिन गडकरी जी ने रायबरेली जनपद को 600 करोड़ रुपये उन्होंने जो रिंग रोड के लिए दिया, हम सब ने उनको धन्यवाद दिया। स्मृति ईरानी जी ने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, यहाँ पर 13 लाख लोगों को आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड दिए गए हैं, शौचालय इतने बनाए गए हैं। जो भी प्रगति रायबरेली में हुई है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस सदन